नंबर वन, अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी। ये हेल्प बॉक्स दिए गए हैं, इसमें से हमें चूज करके इसके अंदर फिलअप करना है। तो पहला आंसर हो जाता है मिस्टेक। अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। नंबर टू, कंप्यूटर डज ऑल वर्क्स वेरी। इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट हो जाएगा फास्ट। कंप्यूटर सभी वर्क को बहुत फास्ट करता है। नेक्स्ट आंसर फास्ट। नंबर थ्री, अ कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट वंस। एक समय में कंप्यूटर बहुत सारे क्या कर सकता है? जॉब कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉब्स। नंबर फोर, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी काम नहीं कर सकता है। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्लास सेकंड कंप्यूटर से रिवीजन क्वेश्चन आंसर फॉर पैरियोडिक टेस्ट के लिए मैं लेकर आ रही हूँ, जो कि अभी सभी स्कूलों में एग्जाम पैरियोडिक टेस्ट के हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो आप बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चंस की रिवीजन करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि क्लास थर्ड के मैंने सभी पेपर के पैरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के रिवीजन क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है और अगर आपके बच्चे क्लास थर्ड में है तो उसे एक बार अवश्य चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड मेंशन बिलो इन द हेल्प बॉक्स। ये हम फोर्थ तक देख चुके थे। अब नंबर फाइव हम देख लेते हैं। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स। कंप्यूटर बहुत सारे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करता है कहाँ पर? अपनी मेमोरी में। तो यहाँ पर हो जाता है करेक्ट आंसर मेमोरी, इट्स मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। कंप्यूटर के कितने इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं? तो कंप्यूटर्स के फोर इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू। ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। नंबर सेवन, द नंबर ऑफ की इन अ कीबोर्ड इज। कीबोर्ड में कितने की होते हैं? तो 104 की इन कीबोर्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 104। डैश इज यूज फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड प्लेइंग गेम्स। किसका यूज हम ड्राइंग, पेंटिंग एंड प्लेइंग गेम्स के लिए करते हैं? तो माउस का। माउस का यूज हम इन कामों के लिए करते हैं। तो माउस इज द यूज, यहाँ पे क्या हो गया? माउस इज यूज फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड प्लेइंग। नंबर नाइन, लुक्स लाइक अ टेलीविजन। टेलीविजन की तरह कौन दिखता है? तो टेलीविजन की तरह हमारा मॉनिटर जो है टेलीविजन की तरह दिखता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉनिटर। एंड नंबर टेन, इज यूज फॉर वीडियो चैटिंग। वीडियो चैटिंग के लिए हम इसमें से क्या यूज करते हैं? तो वेब कैमरा यूज फॉर वीडियो चैटिंग। वेब कैमरा को हम चैटिंग के लिए यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं राइट टू, P for true and F for false against each statement. इस स्टेटमेंट पे हम देखना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर वर्क फास्ट करता है, यस ये सही है। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। यस, कंप्यूटर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन स्टोर कर सकता है। नंबर थ्री, मैन कैन नॉट टेक हिज ओन डिसीजन। मनुष्य अपना कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट नंबर फोर, कंप्यूटर इज अ लिविंग थिंग्स। कंप्यूटर एक लिविंग थिंग्स है। दिस इज फॉल्स। कंप्यूटर एक लिविंग थिंग्स नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। नंबर फाइव, कंप्यूटर वर्क ऑन ऑर्डर। कंप्यूटर ऑर्डर पर ही वर्क करता है। दिस इज ट्रू। कंप्यूटर को जैसा हम बोलते हैं उस हिसाब से वो वर्क करता है। नंबर सिक्स, अ मैन कैन डू मेनी जॉब्स एट वंस। रॉन्ग। मनुष्य एक समय में बहुत सारे काम नहीं कर सकता है। दिस इज फॉल्स। नंबर सेवन,
वी कैन सी फिल्म एंड कार्टून ऑन कंप्यूटर. यस, हम कंप्यूटर पर कार्टून एंड फिल्म देख सकते हैं. लैपटॉप इज ए स्मॉलर साइज, स्मॉलर इन साइज दैन पाम टॉप. दिस इज फॉल्स. लैपटॉप पाम टॉप से स्मॉल नहीं होता है. पाम टॉप जो है लैपटॉप से स्मॉल होता है. एंड नंबर 9, माउस इज लुक्स लाइक अ टेलीविजन. दिस इज फॉल्स. माउस लुक लाइक टेलीविजन नहीं रहता है. मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविजन होते हैं. नंबर 10, अ कंप्यूटर कैन नॉट मेनी टास्क एट वंस. कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे टास्क नहीं कर सकता है. रॉन्ग, कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे काम कर सकता है. तो दिस इज फॉल्स. अब हम नंबर सी पे देखेंगे. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. तो पहला ये किसका इमेज है, तो ये हमारा जो है लैपटॉप है. तो यहाँ पर नीचे हम इसके नाम लिख देंगे लैपटॉप. नेक्स्ट ये हमारा है कीबोर्ड, तो ये हमारा कीबोर्ड लिखा जाएगा. नेक्स्ट हमें इसे पहचान कर नाम लिखना है, तो दिस इज प्रिंटर. एंड नेक्स्ट ये हो गया हमारा क्या है, स्कैनर. दिस इज स्कैनर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंसर इन वन वर्ड. इसके आंसर हमें एक वर्ड में देने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड साउंड वॉइस. क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, माइक्रोफोन. जिस डिवाइस को साउंड या वॉइस के लिए हम यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है माइक्रोफोन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन. कंप्यूटर के किस पार्ट को हम ब्रेन कहते हैं, तो सीपीयू को हम ब्रेन कहते हैं. नेक्स्ट हो जाता है, व्हाट डज वीडीयू स्टैंड फॉर. वीडीयू का मतलब क्या होता है. वीडीयू का मतलब होता है विजुअल बेसिक विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल डिस्प्ले यूनिट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी की आर फाउंड इन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में कितने की पाए जाते हैं, तो कीबोर्ड में 104 की, नॉर्मली कीबोर्ड में 104 की पाए जाते हैं. अब हम मैच द फॉलोइंग देखेंगे. ये इमेज दिए गए हैं और इसके आधार पर हमें इसको मैच करना है. तो चलिए यहाँ पर हम इसको मैच करने के लिए सेव से लाइन टूल्स ले लेते हैं. दिस इज स्कैनर और ये हो गया हमारा प्रिंटर. नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, दिस इज पेन ड्राइव. एंड इधर ये हो गया, दिस इज माइक्रोफोन. इसको हम माइक्रोफोन से मैच करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, फाइंड द जंबल वर्ड. ये कुछ वर्ड लिखे गए हैं जिसको फाइंड जंबल वर्ड में लिखे गए हैं, जिसको हमें सही करके कंप्यूटर्स के हिसाब से इसके वर्ड लिखने हैं. तो यू ओ एम ई एस ये हो जाता है माउस. नेक्स्ट हमारा ये हो जाता है की बोर्ड. नेक्स्ट हो गया सीपीयू एंड ये हो गया अपना मॉनिटर. एम ओ एन आई टी ओ आर मॉनिटर. एंड लास्ट ये हमारा हो जाता है माइक्रो फोन. एम आई सी आर ओ पी एच ओ एन माइक्रोफोन. तो ये थे क्लास सेकेंड के लिए रिविजन क्वेश्चंस कंप्यूटर के लिए. आई होप आपको ये पसंद आया हो और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस
ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बच्चों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो में किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।